महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे कुछ भी या कोई भी नहीं रोक सकता जो आपके लिए है। आपकी रोशनी तेज हो रही है, अपनी दृष्टि की ओर बढ़ो, ये प्रकट होना चाहिए। यदि आप इसे सुन रहे हैं तो महादेव जी आपके सारे दर्द, आपकी उदासी, चिंताओं, कठिनाइयों और समस्याओं को दूर करें और उन्हें खुशी, स्वास्थ्य और शांति दें। महादेव जी के नाम, प्यार और आशीर्वाद में आमीन से बदलें। हाँ, आने वाले महीने में आप करोड़पति बन जाएंगे। एक और बात, इस महीने के अंत में करोड़ों में पैसा आ रहा है। पुष्टि करने के लिए हाँ टाइप करें। 333 एक नकारात्मक मानसिकता और एक अधीर हृदय होने से ज़्यादा तेजी से आपके आशीर्वाद को कोई नहीं रोक सकता। ब्रह्मांड सारे रास्ते खोल देता है, जबकि आपकी आत्मा ऊर्जावान रूप से आपकी दृष्टि के साथ संरेखित होती है। अपने अच्छे गुणों को स्वीकार करके उच्च कंपन करें। वास्तव में दूसरों की उपलब्धि का जश्न मनाकर उच्च कंपन करें। जितना आप संवाद करते हैं उससे अधिक आप सुनकर कंपन अधिक होता है। गरिमा और विनम्रता के साथ स्थिति पर प्रतिक्रिया करना सिखाकर उच्च कंपन करें। अपनी आवृत्ति को बढ़ाने के लिए आप जो छोटे छोटे बदलाव करते हैं वे सफलता को तुरंत प्रारंभ करते हैं। बहुतायत के लिए अपनी आत्मा को एक चुंबक में परिवर्तित करें और ब्रह्मांड को आपको आश्चर्यचकित करने दें। पुष्टि करने के लिए 222 टाइप करें। जिन चीज़ों के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं वे आपके जीवन में इस तरह प्रकट होने वाली हैं कि आप उन्हें कभी समझा नहीं सकते। आप काफ़ी लंबे समय से धैर्यवान हैं और जो आपके लिए है उसे कोई नहीं रोक सकता। आप कृतज्ञता की स्थिति में रहें और केंद्रित रहें। यह अब आपके लिए हो रहा है। अपने दिल की गहराई से महादेव जी पर विश्वास करें। अगर महादेव जी पर विश्वास है, यकीन है, तो हर हर महादेव ज़रूर लिखें। अपने दम पर सब कुछ पता लगाने की कोशिश मत करो। आप जो कुछ भी करते हैं, हर जगह आप जाते हैं, उसमें महादेव जी की आवाज़ सुने। हमारी प्रार्थनाओं की कोई समाप्ति तिथि नहीं है। आप कभी नहीं जानते कि महादेव जी कहाँ हैं या कैसे उत्तर देंगे। बस धैर्य रखें, उनकी टाइमिंग हमेशा परफेक्ट होती है। यदि आप सहमत हैं तो आमीन टाइप करें और जिसको इसकी ज़रूरत हो उसके साथ शेयर करें। स्वर्गीय पिता, अगर आज मैं अपनी आशा खो देता हूँ तो कृपया मुझे याद दिलाएं कि आपकी योजनाएं मेरे सपनों से बेहतर होती हैं। आपकी इच्छा को समझने और उसके अनुसार जीने में मेरी मदद करें। मुझे यह समझने में मदद करें कि आपके पास मेरे लिए कुछ सबसे अच्छा है। जब आप अपने आप को संदेह में पाते हो तो गहराई में जाएं और याद करें कि आप कौन हैं और अभी तक आपने क्या हासिल किया है। आप तब फलते फूलते हैं जब आप अपनी सेहत को अपनी दिनचर्या में महत्व स्थान देते हैं। इससे पहले कि किसी और का भला करने का हो, आप स्वयं के लिए अच्छे बने। आपकी महानता तब प्रकट होती है जब आप खुद और अपनी खुशी को छोड़ने से इनकार करेंगी। प्रार्थना
एक थकी हुई और आत्मा एक टूटे हुए दिल का इलाज है। जैसे आप अपने प्रियजनों से बात करते हैं, ऐसे हर समय प्रतिदिन महादेव जी से बात करें। वो आपका इंतज़ार कर रहा है, उसके पास जाओ, वे आपके साथ वक्त बिताने का इंतज़ार कर रहा है। महादेव जी के साथ बिताया गया समय कभी व्यर्थ नहीं जाता। यदि आप सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। महादेव जी कहते हैं, आपके लिए चीज़ें तुरंत हो सकती हैं। अचानक आशीर्वाद की शक्ति, मेरी शक्ति पर पूर्णतः विश्वास करो। मैं तुम्हें कभी शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। चमत्कार बरस रहे हैं आपके जीवन में। एक अजय दर पर आप शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और आध्यात्मिक रूप से ऊपर की ओर जा रहे हैं। क्या आप इन ऊंचाइयों को पाने के लिए तैयार हैं? यदि हाँ, तो आप धन्यवाद देते जैसे कि आप वे सबसे पहले पा चुके हैं जो आप चाहते हैं। तो आप ब्रह्मांड को एक शक्तिशाली संदेश दे रहे हैं। महादेव जी कहते हैं, कोई आपके जीवन में आकर आपको इतना अच्छा बताता है, आपको निराश नहीं करता, आपको एहसास दिलाता है सब कुछ एक कारण से होता है। भरोसा है तो हर हर महादेव लिखें। महादेव जी कहते हैं, बधाई हो, अपने विकास का जश्न मनाएं। अतीत में आपको जिस चीज़ ने रुलाया, वो उस आशीर्वाद की तुलना में कुछ भी नहीं जो भविष्य में आपको मुस्कुराने वाला है। मुझे पता है कि आप नहीं बता सकते कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन प्रार्थना करते रहिए और एक दिन ये सब समझ में आएगा। मेरा वादा है, तुमसे सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं हमेशा पूर्ण नियंत्रण में रहता हूँ। मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगा। ये कैसे होगा इसकी चिंता करना छोड़ दो और भरोसा करना शुरू करो। यह होगा, आगे बढ़ते रहें, क्योंकि वह समय आ गया है जब आप वहाँ से बाहर निकलें और नए अवसरों की खोज करें जो आपको नया भविष्य बनाने में मदद कर सकता है, जिसके आप हकदार हैं। महादेव जी कहते हैं, मैंने तुम्हारा लंबा संघर्ष देखा है, तुम्हारे आंसू देखे हैं। हर आंसू के लिए मुझ पर विश्वास करो। मेरे पास तुम्हारे लिए एक आशीर्वाद है। मैं रास्ता बनाऊंगा। मैं तुम्हें दिलासा देता हूँ। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैसे हर लोग आपको नीचा दिखाते हैं। आप भरोसा रखो, आप कभी भी नीचे नहीं गिरेंगे, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। लोगों का आप पर नियंत्रण नहीं है जब तक कि आप उन्हें नहीं देते। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। जीवन का एक और दिन आनंदित होने जा रहा है। आपसे इसे पूरे सप्ताह बनाया है। आप जितना सोचते हैं उससे भी कहीं ज़्यादा मजबूत हैं। अपने अनुरोधों से मुझे अवगत कराएं और विश्वास करें कि आपने सुना है, मैं आप पर नज़र रख रहा हूँ। आप अपने संबंधों, स्वास्थ्य, रोज़गार, आर्थिक स्थिति में उलट फेर देखने जा रहे हैं। चिंता बंद करो, मेरे पास करोड़ों बनाने की योजना है। ब्रह्मांड से संकेत, बहुतायत, धन, सफलता, प्रेम, ज्ञान और आनंद अभी आपके जीवन में प्रकट हो रहे हैं। समृद्धि आपके होने की सामान्य अवस्था है और आप अब इसे जी रहे हैं। धैर्य रखें और उन चीज़ों की प्रतीक्षा करें जो आप सबसे ज़्यादा चाहते हैं। इसका पीछा मत करो, इसके पीछे मत भागो। यही महादेव जी चाहता है। आप इसे प्राप्त करें तो वे आपको अवश्य देगा। भगवान को धन्यवाद कहें वे सब कुछ के लिए जो कुछ वे आपको देता है।